उस विभाग का नेतृत्व कर रहा, सरकार कौन है? ये मतलब चोर मचाए शोर, इतने ही आप भ्रष्टाचार से बहुत चिंतित है कि सारे मामले को 24 घंटे के अंदर सीबीआई को सुपुर्द कर, है हिम्मत तो दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। दो तरह के मामले चल रहे थे, एक आपराधिक मामले, दूसरा विभागीय कार्रवाई मामले। आपराधिक मामले चल रहे हैं, आपराधिक मामले चलने के कारण ही ये जो 3-4 दिन से आप फिर देख रहे हैं वो देख रहे हैं, विभागीय कार्रवाई में अर्ध जुडिशियली होता है और एक अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तब तक उनको हमें लगता है उस कमेटी को साक्ष्य नहीं मिला, उन्होंने सरकार के पास लाया, इसमें मंत्री और मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं हुई। फिर भी मैं सरकार को चुनौती देता हूं, उस समय तक साक्ष्य नहीं मिला था, कल ईडी को साक्ष्य मिला, अभियुक्त बना कि नहीं, कोर्ट भी फैसला लेता है साक्ष क्या था, सरकार भी फैसला लेता है साक्ष क्या था। अरे जांच कराना तो किसने रोका है, 2.5 साल तो हो गया सरकार को, 5 साल तो मेरी सरकार ने, मेरी सरकार ने जांच चल रहा है ना, उसका प्रतिफल देख रहे हैं, हमने आपराधिक मामला कहा रोका, अरे नहीं केंद्र कहा, हाईकोर्ट के आदेश पर ईडी ने किया, किसने कहा आपको केंद्र का, केंद्र में कोई योगदान नहीं है इसका, इसीलिए आपको जानकारी रखो भैया। हाई कोर्ट में इंटरफेरेंस होने के बाद ईडी मामला लिया, उसी में राम विरोध सिन्हा गिरफ्तार हुआ, राम विरोध सिन्हा का बयान आया पूजा सिंघल के खिलाफ, तब पूजा सिंघल का साक्ष मिला, तब कल अभी जानकारी रखो भैया। हेमंत सोरेन कह रहे कि चोर मचा रहे हैं शोर, क्या कहेंगे इस पे? इतने ही आप भ्रष्टाचार से बहुत चिंतित है, सारे मामले को 24 घंटे के अंदर सीबीआई को सुपुर्द कर, है हिम्मत तो दिखाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।